पुलिस ने चार बदमाशों को हथियारों सहित किया गिरफ्तार। टैंकर लूटने का किया था प्रयास। चालक क्लीनर से लूटी नकदी, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद। हाथरस में पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने पिछले दिनों एक टैंकर लूटने का प्रयास किया था। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, लूटा गया सामान, नकदी, बाइक भी बरामद की है। इस वारदात को मास्टरमाइंड पहले टैंकर चलाता था। 12 अगस्त की रात्रि में जब निर्मेश सिंह निवासी खेरिया थाना इरादत नगर आगरा अम्बा जिला मुरैना से दूध के एक टैंकर को मुरादनगर गाजियाबाद में एक प्लांट पर लेकर जा रहा था, तो रास्ते में चार युवक आगरा से टैंकर में ये कहकर बैठ गए कि हमें अलीगढ़ तक जाना है। इस टैंकर पर क्लीनर के रूप में रामजीत सिंह मौजूद था। थोड़ी देर बाद ही बदमाशों ने चालक और क्लीनर को अपने कब्जे में ले लिया था। इनके साथ मारपीट कर रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए थे। हाथरस शहर के निकट हतीसा पुल के पास जब चालक और क्लीनर ने पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी तो शोर मचा दिया था। इस पर बदमाश चालक और क्लीनर से लूटपाट कर दूध से भरे टैंकर को छोड़कर भाग गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया हरेंद्र पहले दूध का टैंकर ही चलाता था। उसे ये मालूम था कि टैंकरों से दूध निकालकर नगद बेचकर बचे हुए दूध में पानी मिला लिया जाता है। इसी लालच में उसने ये योजना बनाई थी। इन बदमाशों के पास से लूटे गए 6,090 रुपये, दो मोबाइल और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। दिनांक 12/8 को एक टैंकर जिसमें दूध भरा हुआ था अम्बा मुरैना से चला था और वहाँ से मुरादनगर चिरलपण जाना था। रास्ते में शमशाबाद के पास उस पर चार लोग अलीगढ़ जाने की बात कह करके बैठे और सादाबाद के आगे आने पर उन्होंने क्लीनर और ड्राइवर को कब्जे में कर लिया और स्वयं गाड़ी चला रहे थे। इन लोगों को दहशत में लेकर के उन्हें काबू में कर लिया, लेकिन जैसे ही टैंकर आगे चला एक रूप से हतीसा पुल के पास से नीचे उतारे, वहाँ पर कांवड़ की ड्यूटियाँ चल रही थी, हमारी मोबाइल्स गश्त में थी। सायरन फोन करके जैसा कि इन्होंने बताया ड्राइवर क्लीनर ने कि इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, फिर वो गाड़ी खड़ी करके इनको छोड़ करके चारों भाग गए। इसमें थाना पुलिस वाटर सर्विलांस टीम को लगाया गया। इन्होंने अथक परिश्रम करके इसमें डॉक्टर से इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और सर्विलांस टेक्निकल एड की सहायता से चारों की गिरफ्तारी की। चारों अभी गिरफ्तार हैं। उनसे जो लूटा गया मोबाइल भी दोनों बरामद हैं और लगभग 11,000 रुपया जो लूटा गया था उसमें से 7,000 रुपया भी बरामद है। इस तरह की वारदात उन्होंने पहले कभी की थी क्या? अभी इस तरह की जानकारी की जा रही है और इस संदर्भ में अभी इनसे जानकारी पुलिस टीम को भी नाम भी दिया गया है। सारी जानकारियां अभी की पुलिस टीम को कुछ नाम भी दिया गया 10,000 रुपये। जेबी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।